अस्सलामुअलैकुम। तबस्सुम जायका में आप लोगों का खैर मकदम है। आज मैं फिर हाजिर हो गई एक नई रेसिपी को लेके, जो कि आपके मुंह में पानी ला देगी और बहुत ही यम्मी, डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होती है। तो हम बनाने जा रहे हैं मैंगो का अचार। तो चले शुरू करते हैं। मेरे 3 किलो आम, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, कुछ ये इस तरह से हैं, कुछ मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने रात भर 2 मुट्ठी नमक के साथ भिगो लिया था। मैंने बताया 3 किलो आम है ये, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पानी आम ने छोड़ दिया है। अब मैं ड्रेन करके भी आपको दिखाती हूँ। चलें अब हम इसे ड्रेन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम आराम से। अब आप देख सकते हैं सारा पानी इसमें ड्रेन कर लिया है मैंने, देख लीजिए कितना सारा पानी निकला है। और अब आपको हम बता दें कि मैंने जो रात भर आम को नमक के साथ भिगो के रखा था, उसका मकसद ये है कि आप पूरे साल अचार आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मैंने अपनी इंडक्शन को ऑन कर दिया है और इस पर अपना पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जो कुछ यूं हैं। ये है 3 टेबलस्पून कलौंजी, 3 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून अजवाइन। अब हम अपने मसालों को पैन में डाल रही हूँ। ये सब चले गए, अब हम इसको करेंगे रोस्ट। अभी ये रोस्ट हो रहा है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं अभी से। अब हम कुछ और इंग्रेडिएंट डालते हैं और आपको इसमें मैं डालने जा रही हूँ अपनी 1 कटोरी राई और 1 कटोरी खड़े लाल मिर्चें। ये सब जा रही हैं, इन्हें भी इनके साथ हमको भूनना है। अब ये मेरी 1 कटोरी लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें सब चली गई। अब सारी चीज़ों को एक साथ थोड़ा सा और रोस्ट करना है। मैंने अपनी इंडक्शन को कर दिया है बंद और ये बहुत अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। बहुत गजब की खुशबू आ रही है, बहुत ही ख़तरनाक सी आ रही है। अब इसको हम मिक्सर जार में पीस के, आप मैंने देखिए दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 कटोरी नमक। इसको फिर 1-2 बार चला के मैं दिखाती हूँ। देखिए आप, मैंने इसमें नमक के साथ पीस लिया है। अब ये हो गया है मेरा मसाला तैयार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मेरे 2 लास्ट इंग्रेडिएंट रह गए हैं, जो मैं इसको इसमें डालती हूँ मिक्सर जार में। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून हल्दी। अब इस सब चीज़ों को एक बार और हम मिक्सर में पीस के आपको दिखा। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, और खुशबुएँ बहुत ही शानदार आ रही हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये रहे मेरे आम। अब इसमें जो मसाले मैंने सारे पीसे हैं, मैं इसमें सब अब डाल रही हूँ। ये अब आप देख सकते हैं ये सब चले गए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं मार्केट से लाई थी 200 ग्राम का अचार मसाला, इसको भी मैं डाल रही हूँ इसमें। अब आप देख सकते हैं ये सब चले गए। अब मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के, हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब आप देख सकते हैं ये आम मेरे मसालों के साथ, जो मैंने अभी मस्टर्ड ऑयल डाला था, सबके साथ जाके बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और खुशबुएं माशाल्लाह गली मोहल्ले में सब तरफ चली गई। ये अचार जो आज मैंने बनाया है आम का, ये रेसिपी मेरे नानी की है। मेरी नानी बहुत ही गजब का अचार बनाया करती थी, बहुत ही टेस्टी। मैंने भी ये कोशिश की है बनाने की, और आप लोग भी बनाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार होगा। इसके पहले मैंने अपने बाप की आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, जिसकी वीडियो मैंने डाली है, आप आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपी लाऊं, तो इसके लिए आपको मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। ये मेरा एयर टाइट जार है, जिसे मैंने धो के सुखा के बहुत ही अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया है, सुखा लिया है। देख लें आप, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है और बिल्कुल सूखा होना चाहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ अब अपना अचार।
अब मैं धीरे धीरे करके इसमें अपने अचार को डाल रही हूँ। ये देखें आप, मैंने धीरे धीरे करके इसमें पूरा भर दिया है। अब इसमें हम तेल डाल के आपको दिखाते हैं। मैंने 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल लिया था और थोड़ा सा मैंने मिक्स करने में यूज़ किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ जब तक कि ये आम के ऊपर आ ना जाए। ये मेरा तेल सब इसमें चला गया है, देख सकते हैं आप लोग हैं। ये आम के अचार में तेल आम के ऊपर होना चाहिए बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप हैं। मैंने कर दिया है कवर और अब इसको मुझे 1 हफ्ते तक धूप में दिखाना है। तो हम अब आपसे मिलते हैं 1 हफ्ते के बाद। मेरे अचारों को मैंने 7 दिन धूप दिखा दिया है। अब चलें देखते हैं ये लग कैसा रहा है। मैजिक, वाओ। मैंने बताया था ना अचार तेल के ऊपर होना चाहिए तभी अच्छा होता है। अब हम खाकर बताते हैं ये लग कैसा रहा है। जबरदस्त, माशाल्लाह, कैसे तारीफ करूं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। आप मेरे स्टाइल के बनाएंगे और खाएंगे तो समझ आएगा आपको। इसको आप पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ, आलू के पराठे, दाल चावल, हर किसी के साथ मजे का लगेगा। हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ अचारों के लिए। तो अभी अब बारिश चल रही है तब इसको आप धूप में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि आप जैसे मैंने 1 दिन इसको नमक में डाल के रखा था, आप इसे 2 दिन रख लें नमक में डाल के, फिर इसका सारा पानी ड्रेन कर लें। सेम प्रोसेस, सब कुछ वही रहेगा। बस इसमें जो तेल मैंने कच्चा डाला है, इस तेल को आप सरसों के तेल को अच्छे से आप गर्म करेंगे। तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे और तेल अचार के ऊपर होना चाहिए। तो चले जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।